अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं गबराल वैली में मौजूद हूँ। आज मैंने आपको दिखाना है मौसम ख़ज़ां में गबराल वैली की मनाजिर, तो मेरे साथ रहे। रात को कुछ मनाजिर ऐसे है कि वो आपको दिखाने हैं, सर्दी से कैसे बचा जा सकता है ये सब मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहे। ये मकान अगर आप देखें, टोटली लकड़ी इसमें इस्तेमाल की गई है, दरख्तों को काट कर, और फिर इसको दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अब ये जितने भी मकानात हैं ये खाली होंगे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा शुरू हो गया है और सर्दी के बाद यही तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ करीब से। ये आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी, ये एहतियात की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। नाज़रीन, ऐसा है कि सयाह तो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब बहुत कम, चूँकि आप सीज़न हो गया है और यहाँ पर मुकामी लोगों ने यहाँ से नकल मकानी की है। आपको मैं ये मकानात दिखा दूँ, ये सारे खाली है, और जिस मकान में हम ठहरे थे वहाँ भी तकरीबन दो तीन मर्द और कुछ बच्चे ठहरे हुए थे। पूरे गांव का वो ख्याल रखेंगे, पूरे इलाके का। तो ये जितने भी मकानात आप देख रहे हैं ये खाली है। यहाँ के लोगों ने एक ही मुतालिबा किया है और वो ये है कि सड़क तो खैर ऐसा ही है, मतलब कच्चा है, जीप ट्रैक है, तो सड़क जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत है, 3G 2G है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, टेलीनार का है, जोंग का है। तो इन लोगों ने मुझसे बार बार यही दरख्वास्त की है कि इन दोनों कंपनियों को बताया जाए, जोंग और टेलीनार को, कि वो यहाँ 4G की जो सहूलत है वो हमें फराहम कर दे, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात है यहाँ पर। हम बिल्कुल जो पाकिस्तान और दुनिया भर में जो वाक़ात हो रहे हैं इससे बिल्कुल लाइलम है, हमें कोई ख़बर नहीं होती। तो ये सूरत हाल है, अगर आप देखें तो बर्फ़बारी इस वक्त भी हो रही है, आप देख सकते हैं सूरज भी जो है ना वो तुलू हो गया है, सुबह सुबह है, और इस तरफ मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी बर्फ़बारी हो रही है। मक्के मौसमियात ने भी यही इत्तला दी है कि आज यानी जुमारात को और जुम्मे को यहाँ पर काफ़ी मौसम मतलब ख़राब रहेगा और बर्फ़बारी का इम्कान है। इस जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ तकरीबन इसकी 9000 फीट बुलंदी है, तो उतरोड से तकरीबन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 17 किलोमीटर है। सामने गुलाबाद वैली है, यहाँ पर आबशार बहुत मशहूर है, और इसके अलावा तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर फिर आगे खड़खड़ाई झील है। तो ज़्यादातर लोग मतलब आते हैं खड़खड़ाई झील तक सफ़र करते हैं और बाकी फिर वापस चले जाते हैं, मतलब रिटर्न इन द सेम डे, यानी आप सुबह आप आए खड़खड़ाई झील में और गुलाबाद में गबराल वैली में आप घूम फिर ले और फिर वापस
उतरोड या कालाम चले जाए, वहाँ रात गुजारे। तो इस तरह है। और अगर आपने इन दिनों में आना है तो ये ज़रूरी है कि आपके पास गर्म जैकेट, गर्म कपड़े हो, ताकि आप सर्दी से महफूज हो। वरना दरिया स्वात की जो ये लहरें हैं, ये तेज़ हवा बाद में चलती है तो वो फिर काफ़ी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और मौसम बिल्कुल चेंज है। यानी डाउन डिस्ट्रिक्ट में मौसम नॉर्मल है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सर्दी है। तो आपको सारा मैंने सब कुछ दिखाना है, मेरे साथ रहे। ये माली गुलबांडी का इलाका है और यहाँ पर ये आबशार भी है। और सामने अगर आप देखें तो ये पनबिजलीगढ़ है छोटा, मतलब अपनी मदद आप के तहत इन लोगों ने टर्बाइन और ये डेलम वगैरह लगाया हुआ है और ये अपनी मदद आप के तहत इनकी बिजली बन रही है। तो बहुत ही अच्छा है इनके लिए। और आबशार भी साथ। इस वक्त मैं गबराल की इलाका गुलबांडा में मौजूद हूँ। रात के 9:30 बजे है और हम ट्राउट मछली की शिकार कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने हमारे मेहमान नवाजी के लिए, उन्होंने कहा कि आज हम आपको ट्राउट फिश खिलाते हैं और वो भी इस दरिया स्वात का। तो देखते हैं आपको आज मैंने मतलब ट्राउट फिश खिलाना भी है और जायका जो है ना वो किस तरह है। तो आपको खिलाऊंगा नहीं, मैं खुद खाऊंगा लेकिन आपको बताऊंगा किसका जायका कैसा है और किस तरह है। मेरे साथ रहे। और मछली पकड़ने में हम कामयाब हो गए माशाल्लाह। सर्दी है लेकिन शिकार का अपना ही मजा है। सर्दी भगाने के लिए स्वाद की मशहूर सौगात चपली कबाब और ट्राउट फिश अगर आप खाते हैं तो आप न सिर्फ सर्दी से महफूज होंगे बल्कि ये परहत बख्श और तवानाई बख्श भी है। ट्राउट फिश है ये, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। कितने अभी तक पकड़े हैं? 4-5 तो ये हमारे मेहमान नवाजी की जा रही है और देखते हैं कि कितने नसीब में है। बहरहाल हम इनकी मशहूर है कि इतने बेहतरीन, यानी ऑर्गेनिक मछली है ये ना, ये आम मछली नहीं है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको अंगूठी भी कहते हैं और बेलर भी कहते हैं और ये मुकामी सतह पर तैयार किया जाता है। इसमें लकड़ी जलाई जाती है और ये आग आप देख सकते हैं, कमरा बिल्कुल गर्म है। बाहर सर्दी लेकिन अंदर बिल्कुल गर्मी, मौसम बेहतरीन है यहाँ। तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर अंदर ये पकड़ी गई है और जाल के जरिए। तो अभी हम अंदर आए, अभी इसको पकाने का एहतमाम करते हैं और आपको फिर जायका भी बताते हैं कि जायका कैसा है। लेकिन ये लाजवाब है, सर्दी से बचाव के लिए बेहतरीन नुस्खा और ये तवानाई इसी भरपूर है। मेरे साथ रहे, खिलाते हैं आपको भी और मैं खुद भी।
और सज्जाद को भी। मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कैसा है, इतना बेहतरीन, इतना लजीज, आपको अंदाजा नहीं है। इसको पकाने वाला जो है ना, वो भी मतलब ऑर्गेनिक तरीके से पकाया, यानी रिवायती तरीके से पकाया, घर में तेल के साथ जो है ना वो पकाया है, और बहुत ही ज्यादा जायकादार और लजीज, क्या ही बात है। ऐसा है कि ये जो मछली पकड़ने वाला, मछली को पकाने वाला, यही खालिद खान है, हम इसके मशहूर है। इन्होंने हमारे लिए मछली को पकड़ भी लिया रात के अंधेरे में, और मछली को पकाया भी। अच्छा ये बताइए, बहुत ही ज़्यादा लजीज थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन जायका था इसका, सब जवाब छे दादू रखागो ऐसा है कि खालिद खान कह रहे हैं कि मैंने इसमें कोई मसाला भी नहीं डाला था, सिर्फ हल्की सी नमक घी, और फिर इसको पकाया, और वो आपके सामने है, बेहतरीन था, लाजवाब था, हम इनके मशहूर है। रात के वक्त में उन्होंने जाल के ज़रिए पकड़ा भी, हम भी इनके साथ थे, शुएब भी हमारे साथ था, हम तमाम हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी है, थोड़ा सा इनको दिखाए सर अपना तारुफ करवाए। सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ शिरंजादा सर का, कि इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे दरमियान आए, हमारे दरिया सात की सबसे मशहूर फिश मछली जो है वो ट्राउट मछली है, और माशाल्लाह मेरे ख्याल में हमने भी जितनी मछलियाँ खाई हैं, जैसे कि आप आपको शिरंजादा सर ने बताया, इस तरह इस मछली का जायका जो होता है, इसका जो अपना टेस्ट होता है, इसका टेस्ट कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दिगर दोस्त भी दिखाए वैसे, इनको शुएब जो हमारे साथ आए हुए थे, हमारे मेज़बान भी हैं ये हमारे दोस्त, थोड़ा सा इनके नाम अगर आप अपना बता दें। आपका नाम क्या है? नकीब। नकीब। आपका? मोहम्मद फयाज। और आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक ने मास्टर किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इनको जॉब मिलना चाहिए इस दूर दराज इलाके में। यहाँ पर हमारे नौजवान अगर तालीम हासिल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल में कि इनको सिला मिलना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको अच्छी सेहत और अच्छी जॉब जो है ना वो दिलाए, और मैं समझता हूँ मुझे दे इजाज़त अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। मेरे साथ मलक सजाद अली और एहसान अली, और हमारे साथ है और अब्दुल्ला शिरिन भी है, और वो कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा नाम भी ले लो। तो हम सब आपसे लेते हैं इजाज़त, अभी मैं कावा पी रहा हूँ, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। खाद और आबाद।